जी बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के हवाले से कि किन एलिमेंट्स के दरमियान में आयनिक बॉन्ड बनता है और इन जिन एलिमेंट्स के दरमियान में आयनिक बॉन्ड बनता है और वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं जी उनको हम क्या कहते हैं आयनिक कंपाउंड कहते हैं ठीक है तो हम पहले देख लेते हैं जी प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो किस आ, हमारे पास आयनिक बॉन्ड को बनाने में काम आते हैं और उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं जी आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं तो यहाँ पर अः एक ऐसे टेबल जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स को उनके अटोमिक नंबर यानी कि उनमें मौजूद प्रोटोन के नंबर के हवाले से अरेंज किया हुआ जी यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जो होता है हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं जी ये हमारे पास दोनों मेटल्स हैं ठीक है इसको हम कहते हैं जी अल्कली मेटल्स और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं लेकिन इन दोनों की एबिलिटी क्या है हम कहते हैं कि ए, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ही क्या कर सकते हैं जी आखिरी वलशल में से रिमूव कर देती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं जी पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट हो जाती हैं जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं फिफ्टीन से सेवनटीन तक इसमें क्या होता है जी हमारे पास ये एलिमेंट्स जो है इनके पास ये एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपने आखिरी वाले शेल में क्या करते हैं जी ऐड कर लेते हैं एंटर कर लेते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं जी नेगेटिव आयन में और इन मेटल्स इनको सॉरी हम इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं जी नॉन मेटल्स कहते हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं जबकि ये हमारे पास मेटल्स हैं तो इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं जी आयनिक बॉन्ड तो यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल्स ले, ले लेते हैं एक तो हम सोडियम की ले लेते हैं जी ठीक है और सोडियम की इस तरह से लेंगे कि हम उसकी कॉन्फिग्रेशन को यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर चले हम सिंपली सोडियम हमने लिया सॉलिड की फॉर्म में चूंकि होता है यहाँ पर हम एक, बता देते हैं कि ये सॉलिड की फॉर्म में है इसके साथ जी हम किसको क्लोरीन गैस को जो कि सी हमारे पास है ये नॉन मेटल है एक ठीक है जब इन दोनों को हम क्या करना कोशिश करते हैं जी आ, दोनों को हम मिलाते हैं तो इनके दरम्यान में क्या बनेगा जी आइनिक बॉन्ड बन जाएगा जिसकी वजह से ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा जिसका हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया जी एन ए सी एल और ये भी क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है जबकि यहां पर हमें मैंशन करना चाहिए था क्लोरीन के लिए गैस तो यहां पर हमें पता चल गया ये क्या है जी इसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं ठीक अच्छा उसके बाद हमारे पास ये है इसकी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से सोडियम के अंदर अरेंज है उसके हवाले से भी हम ये बता सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनता है ये अपने कौन से वाले शर्म में से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो सोडियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं जी अः वन एस टू हम लिख देते हैं ठीक है और ये मेटल है उसके बाद आ जाएगा जी टू एस टू और उसके बाद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी टू पी सिक्स क्योंकि हम यहाँ पर चले अटोमिक नंबर हम लिख देते हैं इलेवन होता है इसका और अटोमिक मैस जो है नंबर यानी कि इसमें प्रोटॉन की तादाद जो है है वो 11 है, और मैस और यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तादाद जो है वो 23 है तो यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 अभी हमें एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है थ्री एस वन इसकी जो है वो आउटर कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर मालूम कर लीजिए इसकी सारी की सारी कॉन्फिग्रेशन हमने यहाँ पर लिख दी उसके बाद अगर क्लोरिन के लिखना चाहे तो अगेन हमें क्या मैंशन करना पड़ेगा जी उसका भी यहां पर हम अटोमिक नंबर मैंशन कर देते हैं जी उसका अटोमिक नंबर सेवनटीन है उसका जो है वो थर्टी फाइव पॉइंट फाइव में जी अब यहाँ पर इसकी कॉन्फिग्रेशन चले हम लिख देते हैं क्या आ जाएगी वन एस टू आ जाएगी हमारे पास सबसे पहले फिर टू एस टू आ जाएगी देन हमारे पास 2p6 आएगी जी और उसके बाद जब हम कहते हैं कि क्या आ जाएगा हमारे पास 3s2 आ जाएगी क्योंकि हमने 17 इलेक्ट्रॉन पूरे करने और उसके बाद क्या आएगा जी थ्री फाइव तो हम इसको गिन लेते हैं जी कितने हो गए हमारे पास टू टू फोर और सिक्स टेन हो गए टू हमारे पास ट्वेल्व और फाइव सेवनटीन पूरे हो गए अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ये सोडियम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ये जो हमें अः थ्री एस वन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है जी अब यहाँ पर इसकी ये जो है थ्री एस वन इसकी आउटर कॉन्फिग्रेशन है यानी कि आखिरी वाले शल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ और सिर्फ एक ये बाकी सारे के सारे ये के शल है जी ये एल शेल है और ये वाला जो शेल है ये एम है क्योंकि फर्स्ट सेकेंड आपको लिखे हुए ये इसके शुरू में नजर आ रही है जो टू टू लिखा हुआ है इसका मतलब है ये एल शेल है और ये एम शेल है तो आखिरी वाली कॉन्फिग्रेशन के हवाले से हम लिखना चाहें अगर सोडियम को तो इस तरह से लिखते हैं जी सोडियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मतलब कि आखिरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसी तरह से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें क्लोरीन को तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे जी अब अगर एक का हमने डॉट फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिए तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रॉस शो कर रहे हैं जी हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं डॉट को भी शो कर सकते हैं और क्रॉस को भी लेकिन आपके पास दो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उसको हमने इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को क्रॉस से शो कर दिया और एक की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने डॉट से कर दिया ठीक है जी यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई अब होता क्या है कि सोडियम ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है निकाल के और किसको दे देता है जी अपने अंदर से निकालता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है सोडियम प्लस आयन में और किसको दे देता है क्लोरीन को जिसकी वजह से क्लोरीन एक, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में हासिल करके क्या बन जाता है जी नेगेटिव आइन बन जाता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी सोडियम हमारे पास था ठीक है और अगेन हम उसको लिखते हैं जी एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में था लेकिन थोड़ी देर बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया जी हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं चले हम इसको ठीक तरीके से लगा देते हैं ये है जी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम प्लस आइन बन जाएगा ठीक है और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर से क्या कर दिया जी निकाल के बाहर निकाल दिया और उसके बाद अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्या था जी अगेन हमें यहाँ पर क्या मेंशन करना पड़ेगा इसके सात इलेक्ट्रॉन जो कि हमने किसके फॉर्म में बताए थे जी क्रॉस की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किए थे और यहाँ पर हम बता देते हैं जी कितने थे सात थे तो एक दो तीन चार पांच छे और सात अब ये क्या करेगा जी यही वाला ये जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था कि सोडियम ने निकाला है ये वाला ये एक्सेप्ट कर लेगा क्लोरीन और किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि क्या बन गया है क्लोराइड आयन बन गया इसकी अगर हम एक देखें तो ये क्या बन गया है जी अब इसमें आइन्स की फॉर्मेशन होगी है और इसी वजह से इन दोनों के चार्जेस क्या होंगे जी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बिल्ड हो जाएगा जी वो क्या होता है इन आइन्स की वजह से आयनिक बॉन्ड इनके दरम्यान में बन जाता है और हम इस कंपाउंड को क्या कहते हैं जी एन जो हमारे पास बनेगा वो एक आइनिक कंपाउंड है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से भी देख सकते हैं जी ये है हमारे पास अगर हम इस, इस हवाले से देखें तो अब कॉन्फिग्रेशन अगर सोडियम की हम यहाँ पर बताना चाहें तो क्या हो गई है जी आ, हम देख सकते हैं पहले चले हम इसको कैलकुलेट यहाँ पर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद कितनी बताई हुई थी सोडियम हमारे पास एटम था और 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे जैसे न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन इसके पास इलेक्ट्रॉन थे और इसकी मतलब कि हम कहते हैं कि न्यूट्रल था लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने शिफ्ट कर दिए जी इस क्लोरीन को दे दिया है और किस में कन्वर्ट हो गया खुद पॉजिटिव आइन में क्योंकि अब इसके पास हम देखें यहाँ पर तो प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है 10 है जिसकी वजह से प्रोटोन की ज्यादा हो गई है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोटोन एक्सेस अमाउंट में है इसी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है जी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये पॉजिटिव आइन हमारे पास सोडियम आइन बन जाता है जबकि क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को अटेन कर लेता है तो किस

कि इस की configuration, configuration तो दोनों दोनों जी की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव गैस कॉन्फ़िगरेशन ले ली यानी कि दोनों के आउटर मोस्ट में आठ आठ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हम गिन लेते हैं यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जो कि यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट होती हुई नजर आ रही है टू और एट यानी कि पहले वाले में दो है अगले वाले में आठ है और उसके बाद हम दोबारा से क्लोरीन का देख रहे हैं जी पहले वाले में दो है यहाँ पर कॉन्फिग्रेशन उन्होंने शो की भी है नेक्स्ट वाले शेल में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अगेन एट है यहाँ पर दिखा रहे हैं और उसके बाद उसके बाद वाले में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अगेन इसकी कॉन्फिग्रेशन जो है नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन गई है जबकि पहले ऐसा नहीं था सोडियम की आउटर कॉन्फिग्रेशन वन थी और क्लोरीन की सेवन थी लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आउटर कॉन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैस के बराबर होगी है नोबल गैस जैसी होगी है इसलिए दोनों स्टेबल हो गए हैं और इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जी वो हमारे पास क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं और वो क्या होते हैं स्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी कॉन्फिग्रेशन दोनों की जो है वो क्या अटेन होगी इस आइन्स की फॉर्मेशन की वजह से नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन उन्होंने हासिल करी है इसके अलावा भी हमारे पास एग्जाम्पल आ सकती है जी जिस तरह से हम मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं इसी तरह से हम सोडियम फ्लोराइड भी ये भी हमारे पास क्या है आयनिक कंपाउंड्स और इसी तरह से वो बनते हैं